चीज है बोली। उनकी माँ बचपन में ही उनकी माँ गुजर गई थी, तो वो किस तरह से उसके बाद, और यहाँ भी परिवार में जो था वो साधन संपन्न परिवार तो था नहीं। इनका जो घर वडनगर में है, अब तो वहां किसी और को उन्होंने, मुझे लगता है कि दे दिया और उन्होंने अपना घर बनाया हुआ था। मैं वडनगर गया था एक बार कौतूहलवश, ये कौतूहल होता है कि मोदी जी का घर कहाँ है, चर्चा होती है। तो छोटा सा वो घर था और वहां के लोग, वहां कोई और रहते थे, लेकिन वहां के सभी लोग बहुत फॉन्डली उनको याद करते। आप जिससे भी पूछ लीजिए, जहां भी वो माता जी पर्टिकुलर, तो एक माँ का वो ये भी लिखते हैं कि उनकी माँ सिर्फ दो ओकेजन पे उनके साथ तो निकली और तिलक लगाई थी, जब वो लाल चौक पे झंडा फहरा करके आए थे, और जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। वरना वो अपने घर में अपने उसमें रहती थी, कहीं कोई उसमें ये चीज नहीं थी कि हाँ इतना इतनी बड़ी चीज हो गई है तो मतलब हम पर पे होता है। इस तरह का उनका और उनके परिवार का, क्योंकि तो देखिए सभी पुत्र जो हैं वो अलग अलग, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं कि उनके भाई अलग अलग व्यवसाय में हैं, लेकिन मूल्य इतने स्ट्रांग है कि कभी भी ये नहीं देखा गया आज। बाकी जगह हम कई जगह देखते हैं कि एक परिवार में एक दूसरे को किसी पद पे आने पे बेनिफिट की परंपरा चली जाती है। वो जो है वो माँ के ही सिखाए गए मूल्यों का प्रतीक है। अभी जो हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिस तरह से वो अंतिम क्रिया होती है हमारे संस्कारों के मुताबिक, जी संजय जी, और प्रधानमंत्री जी जो कांधा देने की बात है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही भावुक क्षण लिए भी होता है। सभी के जीवन में ऐसा दिन आता है और वो बहुत ही भावुक क्षण होता है। इसमें अपने आप को कंट्रोल, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चीज होती है, कि आप उसको कंट्रोल कर पाते हैं। जी संजय जी, हम सीधी परसों तस्वीरें दिखा रहे अस्पताल में हैं। गया। जी संजय जी, प्रधानमंत्री माँ के अंतिम दर्शन कर रहे हैं, और अब इस सनातन धर्म में परंपराएं होती हैं, उन सभी परंपराओं का निर्वहन करेंगे। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें। वरिष्ठ पत्रकार अनिल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अनिल जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री माँ के अंतिम इस पड़ाव में माँ को विदा कर रहे हैं और सभी परंपराओं का पालन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि व्यक्ति चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंचे, लेकिन अगर वो अपनी परंपराओं से, अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, तो वह निश्चित ही आगे जाता है। माता ने जो कठिन समय देखा, वही कुछ प्रधानमंत्री ने भी देखा, और उस कठिन दौर से गुजरकर आज वो देश के इस शीर्ष स्तर पर मौजूद हैं। और इस सब के बाद भी आप देख सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री भी एक आम इंसान की तरह होता है, और आम इंसान की तरह ही वो सभी परंपराओं का निर्वहन भी करते हैं। बात करते हैं, आपके पास आते हैं रोशन जी, प्रधानमंत्री से जुड़े कई संस्मरण आपने हमारे साथ साझा किए जो उनकी माँ से जुड़े हुए थे। उन्होंने माँ के 100वें जन्मदिन पर एक लंबा चौड़ा ब्लॉग लिखा था, जिसमें उन्होंने कई संस्मरणों का जिक्र भी किया है। आज ये दुख की घड़ी है, माता की अंतिम यात्रा पूरी हो चुकी है और माता को वो विदा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने उस ब्लॉग में दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी थी। जैसे उन्होंने लिखा था कि वो इंतज़ार करती थी कि कोई अगर घर के आसपास कोई साधु संत गुजरे तो उनको ज़रूर घर बुलाती थी, उनकी सेवा करती थी और उन्हें भोजन कर कर भेजती थी। और ये संस्कारों की जो हम बात करें कि संस्कार जो दिए हैं, उसी संस्कार का ही ये परिणाम है कि इसको कोई आयोजन नहीं करना है, केवल इसको परिवार तक सीमित रखना है, निजी कार्यक्रम तक सीमित रखना है। और उन्होंने वही
किया और किसी भी जो यहाँ से केंद्रीय मंत्री को भी नहीं उसमें शामिल होने दिया, यानी जो भी हैं वो अपने ट्वीट के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से अपने श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, लेकिन वहाँ नहीं गए। और वो यहाँ जैसे अभी अंतिम संस्कार पूरा हो जाएगा तो फिर अपने वो सरकारी कार्यक्रमों में बिजी हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये संस्कार का ही प्रतिफल है कि अपने जो हम अपना जो दायित्व है, अपने कर्म हैं, उनको अपने कर्मों को अपने तक सीमित रखें। जो आपने उनके साथ बिताए हैं जी, वो पल जब उन्होंने आपको सीख दी होगी, जब आपको उंगली पकड़कर सिखाया होगा कि ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ये करना है, ऐसा नहीं करना है, जब आपके कपड़े फटे होंगे तो उन्होंने पैबंद लगाया होगा, जब आपकी किताबें फटी होंगी तो उन्होंने उसको सिला होगा, वो सब चीज़ें आपके मन स्मृति पर आएंगी, गूंजेंगी, आप याद करेंगे, तब तब आपके आंसू निकलेंगे, तब तक आप भावुक होंगे। तो मुझे लगता है कि और जिस तरह से प्रधानमंत्री की अपनी माता के साथ जो प्रेम था, वो तो मुझे लगता है कि अभी हमने जो दो ये 18 जून का उनका ब्लॉग देखा था, इसके बाद भी मुझे लगता है कि हर जन्मदिन पर हम ऐसे ही कुछ ना कुछ देखेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलेगा जी, जो उनके ऐसी यादें होंगी जिसके कारण उनका जीवन आज इतना सफल हुआ है। तो एक माता का ही आशीर्वाद है, उनकी प्रेरणा है कि इतना बड़ा जीवन, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे देश की जनता ने आपको सौंप दी है कि आप जिस तरह से माता ने संस्कार दिए, आप देश की जनता की सेवा करें और उस जनता की सेवा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने कहा कि माता अब नहीं रही लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ रहेंगी, और जब जब उनका जन्मदिन आएगा, जब जब ऐसे कुछ ऐसे क्षण होंगे जब आपको याद आएंगे, तो आप ज़रूर शेयर करेंगे और उनको निश्चित तौर पर ऐसी एक अनुभूति होती है।